रात के 8 बजे हैं। अंतरगंगी गांव का सतत शिक्षा केंद्र। बाबा बड़वन मगले एल्लरंते बाळोणा लोकवन्नु तिळियोणा ಹಗಲಿರಳು ದುಡಿಯುತ್ತೀಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀಯ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಕೊಳೆಯುತ್ತ ಸಾಯುತ್ತೀಯ ಬಾಬಾ ಬಡವನ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳೋಣ ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಸಿ ಬಾಳು ಬರಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಬಡವನ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಅಧಿಕತರ್ ಕಿಶೋರಿ ಲಡ್ಕಿಯಾಂ ಔರ್ ಮಹಿಲಾಯೆ ಯಹಾಂ ಇಕಟ್ಠಿ ಹುಯಿ ಹೈಂ ಪಢ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಅಪ್ನಿ ರೋಜ್ಮರ್ರಾ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಸೆ ಜುಡಿ ಸಮಸ್ಯಾಓಂ ಪರ್ ಆಪಸ್ ಮೇ ಸಲಾಹ್ ಮಶ್ವರಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ फसल के समय सूरज डूबने के बाद पढ़ना लिखना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। भोर होते ही ये लोग काम के लिए निकल पड़ती हैं। दिन का पूरा वक्त काम करते ही बीतता है। कर्नाटक राज्य के सीमांत पर बसा जिला रायचूर। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां जिस रास्ते बहती हैं वहां की जमीन उर्वरा है, बाकी पथरीली। एक हिस्से में अच्छी फसल होती है जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा बंजर पड़ा है। ये क्षेत्र कपास की पैदावार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जहां सिंचाई की सुविधा है वहां धान, ज्वार, बाजरा के साथ मूंगफली और सूरजमुखी की फसल होती है। रायचूर जिले की 80% आबादी गांवों में रह रही है जिनकी आजीविका का आधार खेतीबाड़ी है। इनमें अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, मजदूरी ही इनका पेशा है। बड़े उद्योगों के नाम पर एक थर्मल पावर प्लांट है, इसलिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। निम्न आर्थिक स्थिति में रहने वालों को जीविका अर्जन के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि पढ़ने लिखने के लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं हो पाता। बच्चों को भी दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए काम में बड़ों का हाथ बटाना पड़ता है। स्कूल जाने की फुर्सत इनके पास नहीं है। इनकी और इन जैसे तमाम दूसरे लोगों की जरूरतों को समझते हुए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में शिक्षा को रोजी रोटी के मसले से जोड़ा गया। ताकि जरूरतमंदों को आमदनी का जरिया मिले, साथ ही वे पढ़ना लिखना भी सीखें। इस उद्देश्य से अर्न एंड लर्न यानी कमाओ और सीखो कार्यक्रम की बुनियाद पड़ी।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिसरण यानी कन्वर्जेंस की संकल्पना को अपनाया गया। इसके तहत अलग अलग सरकारी संस्थाएं एकजुट होकर काम कर रही हैं। सभ्य मुख्य उद्देश जिला साक्षरता समिति सहभागित्व अंदर कन्वर्जेंस मेथड नली बेरे बेरे कार्यक्रम बेरे बेरे इलाके हेगे ना ओग्गूडिसबहुदु हेगे कार्यक्रम हम्मिकोळ्ळबहुदु अन्नोदर बग्गे सभेयन्न इल्लि करेदिद्देवे। अदर ओंदु कल्पनेयल्लिये जनशिक्षण संस्थान तन्न तांत्रिक ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ। ಸಾರಿ ಗತಿವಿಧಿಯೋಂ ಕಾ ಮಂಚ್ ಬನಾ ಸತತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಔರ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಬನೆ ಇಸ್ಕೆ ವಾಹಕ। प्रेरक यानी जो आपको अच्छे और सही काम के लिए प्रेरित करे। ये अम्बरीश हैं, मानवी तालुका के बागलबाड़ा गांव में सतत शिक्षा केंद्र के प्रेरक। पढ़ते समय ही अम्बरीश ने एक संकल्प लिया था कि जिंदगी में वही पेशा अपनाएंगे जिसके जरिए लोगों की मदद कर पाएं। आज भी वे उसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। सतत शिक्षा केंद्र में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आय उत्पन्न कार्यक्रम यानी इनकम जेनरेशन प्रोग्राम की सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम हो या महिलाओं को खास कौशल हासिल करने का प्रशिक्षण देना, अपनी हर जिम्मेवारी का निर्वाह अम्बरीश कुशलता से करते हैं। प्रेरकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला साक्षरता समिति द्वारा समय समय पर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इधर 4 इंच रखना, ये बड़े साइज को 4.5, छोटे साइज को। यहाँ सिलाई कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सिखाने से लेकर बिजली मिस्त्री, मोटर बाइंडिंग और घरों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तैयार करने जैसे तमाम कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जन शिक्षण संस्था के रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण देते हैं। काम करने का जज्बा और सीखने की ललक बरकरार है, इसलिए अम्बरीश प्रशिक्षण शिविर में सदा आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर चलाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से जन शिक्षण संस्थान की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सहयोग से चलने वाली यह संस्था रायचूर जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। जो खास करके वुमन नो लिटरेट्स हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए हम लोग। उनका जो इंटरेस्ट किसमें है, बॉटिक में है, टाई एंड डाई में है, वीविंग में है, ताकि उनको उनका ग्रुप्स को वहीं स्ट्रेंथन करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के प्रगति ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, अलग बैंकों से उनका जो अनुदान था और वर्किंग कैपिटल था उसके लिए इंतजाम किए। लिंग सुगुर तालुका में महालक्ष्मी स्वयं सहाय संगठन की सदस्यों ने फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद जिला ग्रामीण विकास संस्था की मदद से आलू चिप्स, चकली वगैरह तैयार करके बेचना शुरू किया। मेहनत रंग लाई और इनका कारोबार अच्छा चल निकला।
आज समूह की हर सदस्य साक्षर हैं, स्वावलंबी हैं। अंबरीश की जिम्मेवारी प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय में लगे महिला समूहों को हर स्तर पर सहायता देना प्रेरक के दायित्व में शामिल है। सामान की पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण से लेकर बिक्री की व्यवस्था करने तक महिला समूहों के सदस्यों को प्रेरक का सहयोग मिलता है। महिलाओं की स्वयं सहाय संगठन ने अवसर का पूरा फायदा उठाया है। पढ़ना लिखना सीखने के साथ ही तमाम हुनर में कुशलता हासिल कर आज अपना कारोबार चला रही हैं, जिससे इन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल रही है। अनेक महिला समूह स्वदेशी ग्रामीण शहरी विकास संस्था और जिला साक्षरता समिति की मदद से चौक और अगरबत्ती बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रही हैं। मानवी और देवदुर्गा तालुका में नाबार्ड और गैर सरकारी संस्था जनहिता के सहयोग से कई महिला संगठन की सदस्यों ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। आज अलग अलग गांवों की महिलाएं साड़ियां और सिले कपड़ों का कारोबार कर रही हैं। स्थानीय बाजारों में इनके सामान की खपत आसानी से हो जाती है। ಹಗಲಿರಳು ದುಡಿಯುತ್ತೀಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀಯ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಕೊಳೆಯುತ್ತ ಸಾಯುತ್ತೀಯ ಬಾಬಾ ಬಡವನ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳೋಣ ಲೋಕವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾ ಸೇ ಜಾಗರೂಕತಾ ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಸಿ ಬಾಳು ಬರಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಬಡವನ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳೋಣ ಮುನ್ನಿ ಬೇಗಂ ಪಿಛಲೆ 12 ವರ್ಷೋ ಸೇ ನಿರಂತರ ಕಾಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಲಾ ರಹೀ ಹೈ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ಅಧಿಕ ಸೇ ಅಧಿಕ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಔರ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬನಾನೆ ಕಿ ಮುಹಿಮ್ ಸೇ ಜೋಡನಾ ವರ್ಷೋ ಪಹಲೆ ಇನ್ಹೋನೆ ಸಮೂಹ ಬನಾಕರ್ ಕಪಡೋ ಕಾ ಛೋಟಾ ಸಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಶುರೂ ಕಿಯಾ ಥಾ सबकी मेहनत और लगन से आज ये कारोबार इतना फैल चुका है कि यहाँ तैयार सामग्री आसपास के बड़े शहरों के अलावा दिल्ली के बाजारों में भी बिकती है। मुन्नी बेगम सिलाई कढ़ाई के हुनर में लोगों को प्रशिक्षित करने में सक्षम हैं, वहीं जरूरतमंद को रोजगार देने में समर्थ भी हैं। प्रशिक्षण के लिए आने वालों में जो निरक्षर हैं, उन्हें मुफ्त में ये सुविधा मिल रही है। मैडम खर्च तक 1000 रूपये उल्ती मैडम अदर 500 रूपये 50 रूपये बैंक कड़ते मैडम आ मगन 50 रूपये हाँतीवरी आ उल्द रोक नान 800 रूपाय मन खर्च तक सीखने सिखाने का दौर खत्म हुआ, अब पढ़ने की बारी है। जितनी ललक इनमें हुनर हासिल करने की है, उतना ही जोश अक्षर ज्ञान पाने का भी है।
पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल उनको जो पढ़ाई नहीं आता कम से कम हम लोग उनको साइन करने भी सिखाए, टाइप के मार्क्स तो मालूम होना है, टाइप के नंबर, उसके लिए उनको वो भी नहीं आता बोलने वाले को उतना तो कंप्लीट करे है हमें। पढ़ाई सीखने वाले टेस्ट भी लिखे हमारे पास, पढ़ाई सीख के टेस्ट भी लिखे, उसके मार्क्स भी मैडम आते रहते थे कभी भी, हमें इतने मार्क्स लिए दो मैडम, हमारे का टेस्ट रखे थे हमारे टीचर, हमें मार्क्स लिए बोल के भी बताए। वो क्या है, 2 महीने का 20 मेंबर्स का कोर्स करे, लिटरेसी कोर्स करे हमें, उसमें हमारे लड़कों को लड़कियों को क्या है सम्मान भी हुआ। पढ़ाई के साथ साथ क्या है हमारे पास पढ़ के बच्चे कमाई भी शुरू करे थे। नृत्य नाटक केंद्र जिनके पास समय की कमी होती है उनके लिए महिला सामाख्या के सहयोग से कुछ सतत शिक्षा केंद्र में क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी 2 महीने की अवधि में पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई। चूंकि सीखने का समय कम है इसलिए पढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ता है। प्रेरक और सह प्रेरक के साथ स्वयं सेवी शिक्षक भी पढ़ाने में सहायता देते हैं। ವಾಚನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರು, ಏನು ಓದಿದರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಓದಿದರು। ಡಿ ರಾಮ್ಪುರ್ ಗಾಂವ್ ಕಿ 50% ಆಬಾದಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಔರ್ ಜನಜಾತಿ ಕಿ ಹೈ। जीवन की आपाधापी में इनका पूरा समय निकल जाता है। शिक्षा से वंचित रह गए इन लोगों को पढ़ाने के लिए समाज कल्याण विभाग की सहायता से यहाँ के सतत शिक्षा केंद्र में विशेष शिविर चल रहा है। यहाँ पढ़ने आने वाले इस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन 20 रुपए दिए जाते हैं। इससे केंद्र में जहाँ इनकी उपस्थिति सुनिश्चित होती है वहीं यहाँ बिताए समय के कारण उनकी रोजाना आमदनी में हुए नुकसान की भरपाई भी हो जाती है। इन्हें पढ़ाने वाले प्रेरक और स्वयंसेवी शिक्षकों को 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है। प्रेरक की भूमिका को एक सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। स्थानीय समुदाय के लिए प्रेरक उनके दुख सुख के साथी हैं। चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम दिलवाने का मुद्दा हो या बुजुर्गों को पेंशन मिलने का, राजीव गांधी आवास योजना के तहत घर दिलवाना हो या विकलांग व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग से सहायता राशि का मसला हो, प्रेरक ये सभी काम तत्परता से करते हैं। जो प्रेरक गंभीरता से अपना काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को सीमाओं में नहीं बांधा है। अम्बरीश सदा अपनी कार्य क्षमता का विस्तार करने में लगे रहते हैं। इससे उनको भी फायदा हो रहा है और समुदाय को भी। जरूरत पड़ने पर अम्बरीश लोगों के मित्र, सलाहकार और सहायक होते हैं। ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
सभी प्रेरक अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें अम्बरीश और मुन्नी बेगम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी लगन से एक खास जगह बनाई है। इनमें एक और नाम है इनायत पाशा का। गरीबी के कारण पाशा की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई तो कबाड़ी का कारोबार शुरू किया। काम अच्छा चल निकला, कारोबार बढ़ने लगा तो और लोगों को रोजगार देना शुरू किया। ये मजदूर दूर दराज से काम की तलाश में आए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग निरक्षर हैं। काम देने के साथ ही पाशा ने इन्हें पढ़ाना भी शुरू किया। सुबह अलग अलग इलाकों में काम के लिए निकले ये लोग दोपहर बाद कबाड़ इकट्ठा करके लौटते हैं। नाप तौल की जाती है, फिर हिसाब किताब की बारी आती है और काम के बाद शुरू हो जाती है पाशा की पाठशाला। मगा मगलन्नो समानागी काणे, मग मगलन्नो समानागी काणबेको। ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಮೂರನೇದ್ದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ ಅಂಬದು ಈ ತರ ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ ರೌಂಡ್ ಇದು ಸ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರು ಸ ಅಂಬದು ಬರ್ರಿ ಸ ಸಸಿ ಸಸಿ ಈ ಸಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೇ ಹೇ ಸಿಂಘನೂರ್ ತಾಲೂಕಾ ಮೇ ಗೋರೆಬಲ್ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಸತತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಹಾ ಪಾಶಾ ಪ್ರೇರಕ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕಿ ಪಢಾನೆ ಕಿ ಲಗನ್ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಹಿ ಯೇ ಜಿಮ್ಮೇವಾರಿ ಇನ್ಹೇ ದಿ ಗಯಿ ಹೈ ಔರ್ ಅಪ್ನಿ ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಪಾಶಾ ನೇ ಇಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೋ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾ ದರ್ಜಾ ದಿಲ್ವಾಯಾ ಹೈ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಜ್ ಯಹಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಮುಫ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿವಿರ ಕಾ ಆಯೋಜನ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಮೊದಲು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಭಿಸರಣ यानी कन्वर्जेंस की गतिविधियों के शुरू होने से प्रेरक की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, साथ ही इनकी आय में भी इजाफा हुआ है। इस कार्यक्रम में शामिल हर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से प्रेरक को काम के अनुरूप मानदेय मिल रहा है। टोटल सैनिटेशन कैंपेन के तहत प्रेरक लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना कितना महत्वपूर्ण है। पशुपालन विभाग की ओर से प्रेरक पशुधन के सर्वे का काम करते हैं। गांवों में किस परिवार के पास कितने पशुधन हैं और उनकी स्थिति क्या है, इस तरह की जानकारी प्रेरक इकट्ठा करते हैं। शिक्षा विभाग के लिए प्रेरक सरकारी विद्यालयों का सर्वे करते हैं। कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, रोजाना आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने शिक्षक हैं, इस तरह की जानकारी शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण है। सतत शिक्षा केंद्र का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करने के साथ ही ग्रामीण समाज को जागरूक बनाने और उसमें भागीदारी की भावना विकसित करना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद देने के साथ ही अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना भी केंद्र की जिम्मेवारी है। अपने तमाम उत्तरदायित्व के साथ ही सतत शिक्षा केंद्र ग्राम पंचायत सहित तकरीबन सभी सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों को दूर दराज के गांवों में लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन चुका है। आज सही मायनों में सतत शिक्षा केंद्र समुदाय के लिए सूचना खिड़की की भूमिका निभा रहा है।
आने वाला हमारा कल बेहतर हो, इसके लिए हमें आज प्रयास करना पड़ेगा। वर्णमाला के वर्णों से दोस्ती करनी होगी, अंकों के साथ खेलना होगा। ये छोटी सी कोशिश हमारे सपनों में रंग भर सकती है, उन्हें साकार कर सकती है। पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, इस मुहिम में लोग जुड़ते जा रहे हैं। कड़ी दर कड़ी एक मजबूत श्रृंखला बन रही है। एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल सबक को आसान किया जा सकता है। ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆ